हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस लिटिकल निशा सालवी। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फैसिलिटेड डिफ्यूजन। इससे पहले हमने मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट जो है वो स्टार्ट कर दिया है। हमने देख लिया है कि किस तरीके से जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ट्रांसपोर्ट करते हैं, मेम्ब्रेन के अंदर से कैसे सेल में पहुंचते हैं, ये बात हो गई है। और एक और बात, क्वेश्चंस की बारी जो है वो शीघ्र आने वाली है, आपका वेट खत्म होने वाला है। सो प्लीज, मैं जल्द ही ये सीरीज लाने वाली हूँ। इसके लिए आपको जितने भी मेरी प्रीवियस वीडियो है जो मैंने स्टार्ट किए हैं वो आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं, ताकि अपन जब ये पूरे एक साथ ही क्वेश्चन बना रही हूँ मैं, तो जब अपन ये पूरे क्वेश्चन करेंगे इन सारे टॉपिक्स के, तो आप इससे बहुत ज्यादा रिलेट कर पाएंगे कि जो हमने इस चैनल में पढ़ा है क्या वो अपने लिए एप्लीकेबल भी रहा था या नहीं रहा था या रहेगा। गेट माई पॉइंट? तो हमने क्या करना है, हमने जितने भी मेरे प्रीवियस वीडियोस हैं एक बार प्लीज उनको ठीक से वॉच कीजिए, ताकि अपन आगे बढ़ सके। गेट माई पॉइंट? और सेकंड थिंग, ये जो टॉपिक है जो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट चल रहा है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन चल रहा है, ये जितना अच्छा या जितना इम्पोर्टेंट CSIR नेट वाले बच्चों के लिए है, उतना ही इम्पोर्टेंट ये नीट वालों के लिए भी है। क्योंकि ये जो टॉपिक है फैसिलिटेड डिफ्यूजन या डिफ्यूजन, आपके 11th क्लास के 11th चैप्टर में दिया हुआ है NCERT के बुक में। तो दैट मीन्स ये नीट में डेफिनेटली आएगा। ट्रांसपोर्ट कराना है, वहां पर प्लांट से रिलेटेड आपको ट्रांसपोर्ट पूछा गया है, तो वो भी अपन आज डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि CSIR नेट वाले भी तो हमारे प्लांट में ट्रांसपोर्ट करवाएंगे या नहीं करवाएंगे, बताओ। हाँ या ना, दोनों के लिए इक्वल थिंग है। तो हमने दोनों के लिए ही बनाई है हमारा जो वीडियो है, ये जो चैनल है ये दोनों के लिए बनाया है, वो नेट हो चाहे वो नीट हो। गेट माय पॉइंट? और हाँ, एक स्टूडेंट ने पूछा था, जिसका जो मैसेज है या जो कॉमेंट है मैं ओपन नहीं कर पा रही, उसने पूछा था कि मैम आप मुझे बताइए कि जो मैं PhD करूंगा वो लाइफ साइंस में करूं या पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट में करूं। तो बेटा देखो, लाइफ साइंस का बहुत अच्छा रोल है, नो डाउट। लाइफ साइंस में ही आप नेट क्लियर करते हैं, बट जूलॉजी में आप PhD करेंगे तो वो आपके लिए गवर्नमेंट लेवल पे बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। गेट माई पॉइंट? आई होप यू कैन गेट माई पॉइंट कि मैं ये कहना चाह रही हूँ कि यदि आप जो सब्जेक्ट मुझसे पूछना चाह रहे हो जूलॉजी में, स्पेशली आप PhD करते हैं, तो वो आपका बेनिफिशियल रहेगा रादर देन लाइफ साइंस। गेट इट? तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग आर टाइम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और वन थिंग कि आपने क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है एंड सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू रियली लाइक एंड अप्रिशिएट माय वर्क। सो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, देखो नाम से पता लग रहा है कि हम यहाँ पर क्या प्रोवाइड करा रहे हैं, कोई माध्यम प्रोवाइड करा रहे हैं, है ना, कोई फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहे हैं। एम आई राइट कि फैसिलिटी है तो वो प्रोवाइड करा रहे हैं। सिंपल डिफ्यूजन की हमने बात करी थी, देखो बच्चों, जब हमने डिफ्यूजन की बात करी थी, है ना, जब हमने डिफ्यूजन की बात करी थी यानी कि विसरण की बात करी थी, तो विसरण कैसा हो रहा था, हमेशा कैसा हो रहा था, हमारा हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ऐसा अपन ने बात करी थी लास्ट प्रीवियस वीडियो में। हमने बात करी थी कि जो डिफ्यूजन हो रहा है, विसरण जो हो रहा है, वो हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है। तो क्या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में कुछ चेंज होगा? नो। क्यों? है तो डिफ्यूजन ही, बट ये क्या करवा रहा है, ये एक फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहा है। फैसिलिटी की क्यों जरूरत पड़ी, क्यों जरूरत पड़ी? देखो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एक आपका कोई रहने जानने वाला है और वो जयपुर शिफ्ट कर रहा है, आप कॉलेज में एडमिशन उसने लिया है और वो यहाँ की चीजें नहीं जानता है, भाई आप में से कोई उसका रिलेटिव है, आप उसको क्या बोलोगे कि भाई तू आ जा, ऐसे कर, मैं तेरे लिए रूम वूम देखता हूँ और जो भी आसपास की जो भी तुम्हारे को एक बेसिक नीड्स है उसके लिए भी मैं ट्राई करूंगा, फाइन। तो दैट मीन्स आपने क्या करवाया, उसको जयपुर आने के लिए डिफ्यूजन दिया, जयपुर में डिफ्यूज करवाया। हाँ या ना, जयपुर में जहां पर भी वो रहता है वहां से वो जयपुर में डिफ्यूज करेगा। किसके द्वारा डिफ्यूजन, मतलब अपने आप ही आ रहा है ना, उसका कॉलेज यहाँ है, अपने आप आ रहा है, ऐसा तो यानी कि कोई उसको घुसा के नहीं, तो जयपुर ही जा ऐसा तो कोई नहीं बोल रहा। उसने कॉलेज चूज किया है, कॉलेज में उसका एडमिशन हुआ है, तो वो कॉलेज में आना चाहता है, जयपुर में आना चाहता है।
आपने उसको क्या करवाया है, आपने उसको एक फैसिलिटी मुहैया करवाई है, दैट मीन्स आपने उसको एक फैसिलिटी प्रोवाइड कराई है ताकि वो इजीली वहां से जयपुर शिफ्ट हो जाए या डिफ्यूज कर जाए। तो फैसिलिटेड डिफ्यूजन समझ में आया, दैट मीन्स हम क्या करवा रहे हैं, फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहे हैं, दैट मीन्स यहाँ पर कोई माध्यम है ना। और तुम्हें याद हो तो लास्ट वीडियो में हमने कहा था कि यहाँ कोई भी एटीपी का रिक्वायरमेंट नहीं है ना, क्यों, क्योंकि ज्यादा से कम की तरफ आ रहा है, ज्यादा है फैल भी जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है। मैंने एग्जाम्पल दिया था, एक रूम है 40 इस रूम में, मतलब मान लीजिए कि ये एक रूम है और इसमें जो कैपेसिटी है वो 10 स्टूडेंट्स की है, केवल मात्र 10 स्टूडेंट इस रूम में रह सकते हैं आराम से। इससे ज्यादा आप करोगे तो वो स्टूडेंट कैसा फील करेंगे, बहुत ही मतलब कंजस्टेड फील करेंगे, बहुत ही दबा दबूसा फील करेंगे। और मान लीजिए कि आप लोगों ने उसमें 40 बच्चे भर दिए हैं, कितने भर दिए हैं, 40 स्टूडेंट्स भर दिए हैं, अब बताओ तुम क्या होगा, वही लात घोसे चलेंगे, लात घोसे चलेंगे। तो देखो ये क्या करेगा, इस रूम में, दो रूम है आसपास और यहाँ पर भी 10 की कैपेसिटी, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 स्टूडेंट्स है, तो ये 40 स्टूडेंट्स कहाँ आना चाहेंगे, इधर से, यानी कि हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन में आना चाहेंगे, एम आई राइट। अब बेटा ये जो विसरण है, ये जो डिफ्यूजन है, ये हमें कैसे कराना है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के द्वारा। दैट मींस यहाँ पर हमें कोई फैसिलिटी जो प्रोवाइड, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि मैं इसको रफ करने जा रही हूं, क्योंकि यहां पर हमने क्या कर दिया, यहां पर हमने इसको कुछ फैसिलिटी दे दी, और वो क्या है, हमारे चैनल प्रोटीन है ना, और कैरियर प्रोटीन, चैनल प्रोटीन और कैरियर प्रोटीन दे दिया। देखो चैनल से समझ में आ रहा है, चैनल से समझ में आ रहा है कि कुछ चैनल, जैसे कि हम कुछ घरों में देखते हैं चैनल वाले गेट होते हैं, हाँ है ना, हम कुछ घरों में देखते हैं कुछ चैनल वाले गेट होते हैं, शटर गेट जिसको कहते हो, कि कोई बंदा आया और शटर ओपन हो गया और उसके अंदर एंटर कर गया, लेकिन आप हर किसी को तो नहीं जाने दे सकते। तो ये चैनल प्रोटीन्स है या ये चैनल्स हैं जो कि मॉलिक्यूल्स का आवागमन करवाएगा, क्यों करवाएगा ये भी अपन बात करते हैं। कुछ कैरियर है यानी कि कुछ वाहक है ना, वाहक है, यहां पर जाएगा, ये यहां पर जाएगा, कोई भी मॉलिक्यूल आया इसने क्या किया, पहले ये इस तरीके से था, ठीक है, ये मॉलिक्यूल आया, इसने अपनी मॉडिफिकेशन चेंज करी और इसको यहां पर भेज दिया, यानी कि भाई तुमने क्या किया, उस बंदे को बुलाया, रखा जयपुर में, बुलाया, तुमने एक कैरियर प्रोटीन, यानी कि तुमने तुम्हारा जो जॉब का टाइमिंग था उसमें मॉडिफिकेशन किया कि नहीं भाई तू सुबह आ रहा है, ठीक है मैं हाफ डे ले लेता हूँ और मैं काम करूंगा तेरे लिए, तो यानी तुमने मॉडिफिकेशन किया अपने शेड्यूल में उसको जयपुर डिफ्यूज करवाने के लिए, तो वो मॉडिफिकेशन क्या कर रहा है, ये कैरियर प्रोटीन क्या कर रहे हैं, अपने आप में मॉडिफिकेशन कर रहे हैं ताकि जिस बंदे ने जयपुर आना है वो इजीली जयपुर पहुंच जाए। इज दैट क्लियर, आई बात समझ में, हमने क्या बोला, वी हैव चैनल प्रोटीन एंड वी हैव कैरियर प्रोटीन टू ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स बाय डिफ्यूजन, ठीक है, दिस कॉल्ड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इज दैट क्लियर, यहां तक ये बात क्लियर है। अब देखो अंदर की बात पहले समझो, ये तो ऊपरी बात है, अब अंदर की बात, ऐसा क्यों पड़ रहा है, हमें जरूरत क्यों पड़ रही है, सिंपल डिफ्यूजन हमें क्यों नहीं पड़ रहा, हमने फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्यों करवाया, आ जाओ देखो, हमने डिफ्यूजन हमने क्यों करवाया, आपको पता है हमारी जो मेम्ब्रेन है बड़ी ही खतरनाक है, क्यों है, क्योंकि बाहर से हम बना लेते हैं, देन वी विल टॉक अबाउट इट। बाहर से हमारी जो मेम्ब्रेन है, तुम्हें पता है किससे प्यार करती है, वॉटर लवर है, लेकिन अंदर का माहौल कैसा है बेटा, अंदर का माहौल हमारा हाइड्रोफोबिक है। अब एक बार बताओ, कोई मॉलिक्यूल है ना, ये एक मॉलिक्यूल है, कलर अलग ले लेते हैं, ज्यादा बेटर है, अच्छा सा समझ में आएगा,
ये एक मॉलिक्यूल है हमारा, ये मॉलिक्यूल जो है ये बेचारा वाटर का लवर है ना, ये हमारा वाटर का लवर है। अब ये वाटर लवर है जो बेचारा, ये कैसे आएगा अंदर? ये सरफेस पे तो आ जाएगा, लेकिन ये अंदर कैसे आएगा? अंदर कैसे आएगा? इसको कुछ नहीं पता अंदर ही कैसे इस माहौल में जाएगा, इसको नहीं पता। तो ये क्या करेगा उस दौरान? तो ये अब हमारी जो मेम्ब्रेन है जिसमें डिफ्यूजन होने वाला है, वो इसको क्या करेंगे? कुछ चैनल्स प्रोवाइड कराएंगे, है ना, या फिर कुछ प्रोटीन प्रोवाइड कराएंगे जो इस वाटर मॉलिक्यूल को, है ना, ये एक वाटर मॉलिक्यूल भी हो सकता है, ये H2O भी हो सकता है, इस वाटर मॉलिक्यूल को ये अंदर लेकर आना चाहते हैं। तो हमारे पास क्या होना चाहिए? जो मॉलिक्यूल है बच्चों, ये बेसिकली हाइड्रोफोबिक होना चाहिए, ठीक है। और हमने क्या बोला था? स्मॉल होना चाहिए साइज में। लास्ट प्रीवियस वीडियो जब तक नहीं देखोगे कनेक्टिविटी नहीं हो पाएगी। हमें क्या बोला था? स्मॉल इन साइज होना चाहिए, है ना? क्यों? क्योंकि बड़े नहीं होने चाहिए, अनचार्ज्ड होने चाहिए। और ये पोलर है तो हमें कुछ चैनल प्रोटीन या फिर कैरियर प्रोटीन चाहिए जो इनको डिफ्यूज करा सके। आई बात समझ में? तो हमने क्या बोला, यदि कोई वाटर मॉलिक्यूल इस मेम्ब्रेन से डिफ्यूज होना चाहता है तो वो कैसे आएगा? तो बेटा एक एग्जांपल है हमारे पास, पोरीन, ठीक है। पोरीन ये एक तरह का प्रोटीन होता है ना, ये एक प्रोटीन होता है जो आठ लेयर से बनकर बना हुआ होता है, एट पाई जाती है, इसको ऑक्टामर भी कहते हैं, है ना, ऑक्टामर भी कहते हैं। आठ यूनिट होती है इसमें प्रोटीन की, और इसको हम कहते हैं पोरीन प्रोटीन। आई बात? ये पोरीन प्रोटीन क्या है, इसके अंदर एक और एग्जाम्पल है जिसको हम बोलते हैं एक्वा पोरीन, है ना, इसका एग्जाम्पल पूछा जाता है। ये एक्वा पोरीन जो है वो आठ यूनिट से मिलकर बना होता है, और ये पोरीन प्रोटीन का एग्जाम्पल है। अब देखो यहां पर मैं बना रही हूं, यहां पर ये, ठीक है, यहां पर मैंने, वैसे तो ये देखो पोरीन एक्वा प्रोटीन बनाऊंगी तो इस तरीके से ये एट यूनिट्स इसके अंदर होनी चाहिए। ये एक्वा पोरीन क्या करेगा, यहां पर ये लेकर के आएगा, यहां पर आप देखोगे ये वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, क्या हुआ, ये वाटर मॉलिक्यूल अपना आया, एक्वा पोरीन ने इसको कैच किया और ये इसको डिफ्यूज करवा दिया, यानी कि फैसिलिटी प्रोवाइड करी। अजीब से माहौल में उस बच्चे को तुमने जयपुर में इजीली उसके कॉलेज में पहुंचा दिया, इजीली उसको रूम प्रोवाइड करवा दिया, इजीली उसको बेसिक नीड्स प्रोवाइड करा दी, हो गया वो डिफ्यूज इन जयपुर, हो गया। दैट मीन्स ये वाटर मॉलिक्यूल जो कि वाटर लवर था फिर भी ये हाइड्रोफोबिक रीजन से आराम से निकल गया विद द हेल्प ऑफ एक्वापोरीन प्रोटीन। एम आई क्लियर? यहां तक कोई डाउट है? डन, आगे चलते हैं। अब जो चैनल प्रोटीन्स होते हैं बच्चों, है ना, जो चैनल प्रोटीन होते हैं वो एक्टिव पैसिव दोनों हो सकते हैं, ठीक है। जो हमारे चैनल प्रोटीन है वो एक्टिव भी हो सकते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प कर सकते हैं और पैसिव ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प कर सकते हैं। जो चैनल प्रोटीन है, आपका क्वेश्चन आता है सीएसआईआर नेट में, या जो इंस्टीट्यूट है आपके जहां से सीएसआईआर नेट की स्टडी चल रही है, कोर्स चल रहा है, तो वहां पर जो अपने संडे टू संडे यूनिफाइड टेस्ट होते हैं वहां पर एक क्वेश्चन आ जाता है। तो चैनल प्रोटीन, इट कैन बी एक्टिव, इट कैन बी पैसिव, ठीक है। पैसिव जो चैनल प्रोटीन होगा इट ऑलवेज ओपन, ये हमेशा ओपन रहेगा। क्यों? क्योंकि फैसिलिटी प्रोवाइड कराना ना है तो डिफ्यूजन नहीं, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन जाना है तो हमने इतना ज्यादा सोचना नहीं है। इट ऑलवेज ओपन, पैसिव चैनल प्रोटीन हमेशा ओपन रहेंगे। इज दैट क्लियर? अब देखो, अब क्या हुआ नेक्स्ट थिंग, चैनल प्रोटीन बच्चों बहुत तरीके के हो सकते हैं। जैसे कि हम बात करें, एक हो सकता है वोल्टेज, है ना, वोल्टेज गेटेड चैनल,
ठीक है, मैं अलग से रख देती हूँ, ब्लैक पेन से कलर दिख जाएगा। एक है हमारा वोल्टेज गेटेड चैनल, दूसरा हम बोलेंगे लाइगेंड गेटेड चैनल, और यदि हम बात करें थर्ड वन की तो मैकेनिकली गेटेड चैनल। ठीक है, अब तीन तरह के चैनल गेट होते हैं हमारे, चैनल गेट समझ जाओ ना, ओपन करोगे तो तीन तरह के हो सकते हैं बेसिकली, वोल्टेज गेटेड चैनल, लाइगेंड गेटेड चैनल और मैकेनिकली गेटेड चैनल। अब ये जो चैनल्स है बच्चों, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फाइन। अब देखो वोल्टेज, जैसा कि नाम तुम्हें दिख रहा है ना, जो तुम्हें नाम दिख रहा है इसी आधार पर काम करेगा। वोल्टेज में हमें देखना है कि जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन का अंदर का जो वातावरण है बच्चों, वो -70 mV है, -90 mV है, इस आधार पर ही वोल्टेज गेटेड चैनल कार्य करते हैं। क्या होता है, वोल्टेज गेटेड चैनल कैसे काम करेंगे, इस मिली वोल्ट के आधार पर जो मेम्ब्रेन के अंदर है या कोशिका के अंदर है, उस वोल्टेज के आधार पर ये जो चैनल गेट है वो ओपन एंड क्लोज होंगे। पहली बात, लाइगेंड गेटेड चैनल क्या है, लाइगेंड गेटेड चैनल में तुम देखोगे तो लाइगेंड यानी कि इट विल बी केमिकल, ये एक इट कैन बी केमिकल, ये एक केमिकल हो सकता है, हाँ है ना। देखो लाइगेंड है, जैसे तुमने पढ़ा होगा न्यूरॉन सिस्टम के अंदर, न्यूरॉन सिस्टम पढ़ा होगा तो वहां पर कुछ केमिकल्स आते हैं, है ना। ये भी मैं पढ़ाऊंगी इंडिविजुअली, वन बाय वन पढ़ाऊंगी, अभी बस समझा रही हूँ कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। लाइगेंड गेटेड चैनल में कुछ केमिकल रिलीज होंगे जो कि एक पर्टिकुलर सेल्स को एक्टिव करेंगे, फंक्शनली करेंगे, तो ये होते हैं लाइगेंड गेटेड चैनल, जहां पर लाइगेंड आएगा, रिसेप्टर से बाइंड होगा और एक पर्टिकुलर सेल एक्टिव हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टर्स। आगे बात समझ में, मैकेनिकली गेटेड चैनल यानी कि यहाँ पर कुछ मैकेनिज्म को मैकेनिज्म को एक्टिव किया जाएगा, लाइक हमारा जो ईयर है, ईयर में अपना ये जो पिन्ना वाला जो पार्ट है जहां तक फिंगर जा रही है, इसको अपन कहते हैं एक्सटर्नल ईयर, अंदर जाकर के इंटरनल ईयर और मिड ईयर और देन इंटरनल ईयर। तो जहां पर अपने पास, जहां सुनने वाला जो एरिया होता है, वहां पर कुछ एक एक कोशिका होती है या एक अस्थि होती है, जहां अस्थि होती है वहां पर जाकर के हमारी सारी की सारा एक फोर्स लगता है जो पिन्ना के थ्रू गया होता है, और वो फोर्स एक अस्थि पे लगता है जिसको हम अच्छे से करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट, मैं बहुत अच्छे से बताने वाली हूँ तीनों चैनल्स को। तो जो मैकेनिकल, तो वहां पर क्या होगा, वो जो एयर या जो वॉइस जाएगी वो जाकर के वहां पर ऐसे ऐसे गेट नॉक करेगी, नॉक 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 नॉक, और वहां पर सारे के सारे जो रिसेप्टर्स हैं वो एक्टिव हो जाएंगे। रिसेप्टर एक्टिवेटेड हुए कैसे, इस मैकेनिकली सपोर्ट की वजह से, और हमें प्रॉपर सुनाई देगा। आई बात समझ में, इसका भी एग्जाम्पल अपन देखेंगे इंडिविजुअली, इसका भी इंडिविजुअली देखेंगे और इसका भी इंडिविजुअल देखेंगे। बस आपको ये डेफिनेशन अभी समझ में आई होगी कि वोल्टेज गेटेड, लाइगेंड गेटेड, मैकेनिकली गेटेड, इसके अलावा अपने पास टेम्परेचर गेटेड चैनल्स होते हैं, इसके अलावा अपने पास लाइट गेटेड चैनल होगा। लाइट गेटेड में देखो सीधी सी बात है, तुम क्या कर सकते हो, रेटिना, रेटिना पे अपने लाइट जाती है तो वो वहां पर अपने पास रेटिना में, आपको पता है चार तरह के जो वो होते हैं, रोडोप्सिन होता है ना, और तीन हमारे पास कॉन्स होते हैं। कॉन्स जो होते हैं वो दिन में हमारी लाइट को एब्जॉर्ब करके हमारी एक पिक्चर देते हैं, इमेज देते हैं, लेकिन जो रोडोप्सिन होगा वो रात में वर्क करेगा। ये चीज जो है एकदम ह्यूमन फिजियोलॉजी में जा रही है, बट यहाँ पर बहुत सारे वर्क होते हैं बेटा। लाइट गेटेड चैनल आपका रोडोप्सिन या रेटिना पे वर्क करेगा। आई बात समझ में, तो इस तरीके से हमने क्या देखा, चैनल प्रोटीन देखा, इसके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे तीनों। अब देखो एक और बात हम देखते हैं, यदि हम बात करें, है ना, यदि हमने देखो सिंपल डिफ्यूजन भी पढ़ लिया और सिंपल डिफ्यूजन भी पढ़ लिया, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी पढ़ लिया, हमने उसमें ग्राफ की बात करनी है, तो ग्राफ कुछ हमें इस तरीके से दिखाई देता है। इस तरीके का ग्राफ जो है वो हमें दिखाई देता है, ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है,
ये किस तरीके के डिफ्यूजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, और ये सीएसआईआर नेट में ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, सीएसआईआर नेट में ये क्वेश्चन आ चुका है कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और सिंपल डिफ्यूजन कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है और इस ग्राफ का मतलब क्या है ना। आपको दिया जाता है, जैसे मान लीजिए कि सेक्शन सी जो है आपका, उसमें ही क्वेश्चन आ सकता है, आपके पास बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, उनको डिफ्यूज करवाना है, कब सैचुरेशन की अवस्था आएगी और कब सैचुरेशन आएगा ही नहीं। तो बच्चों देखो, जो सिंपल डिफ्यूजन है, दिस इज दिस लाइन इंडिकेट सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है, दिस लाइन इंडिकेट सिंपल डिफ्यूजन। क्यों? आपको पता है सिंपल डिफ्यूजन हम पढ़ चुके हैं, हमने देखा है कि सिंपल डिफ्यूजन में किसी भी, हमने कोई हेल्प ही नहीं ली है, कोई फैसिलिटी नहीं, बस जहां बहुत सारा है, जहां बहुत कम है तो बहुत सारा कम की तरफ चला जाएगा, हमने उसमें कोई एनर्जी नहीं दिया, कोई फोर्स नहीं किया, हमने कुछ भी उसको फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करवाई, तो वो अपने आप ही चल रहा है। यहाँ पर कोई सैचुरेशन नहीं है, ये अपने आप चल रहा है, देखो अपने आप चल रहा है, 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 चल रहा है। तो ये जो सीधी लाइन है ये क्या व्यक्त कर रही है? सिंपल डिफ्यूजन को। लेकिन मैम ये जो मुड़ गई, ये जो टेढ़ी लाइन हो गई है, ये टेढ़ा है पर मेरा है, तो यानी कि ये कौन दिखा रहा है? ये शो कर रहा है इस फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को। क्यों मैम, क्यों हमने ये ऐसा बोला? देखो बेटा एक बात बताओ, जैसे कि मान लो यहां पर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, और तुम्हारे पास ये मेम्ब्रेन है, और तुम्हारे पास यहां पर कुछ कैरियर प्रोटीन है ना, कुछ कैरियर प्रोटीन है, और मान लो कि एक कैरियर प्रोटीन तीन मॉलिक्यूल लेकर के जाता है ना, एक कैरियर प्रोटीन तीन मॉलिक्यूल लेकर जाता है, फिर ये दूसरा इन तीन को ले जाएगा, ये तीसरा इन तीन को ले जाएगा, है ना, लेकिन फिर इस तीन का क्या? तीन हमारे पास कैरियर प्रोटीन है जो इन एक बार में तीन को लेकर जाता है, एक बार में तीन को लेकर जाता है, तो ये तीन को लेकर के जाएगा, ये तीन को ले गया, ये तीन को ले गया, ये तीन को ले गया, है ना। अब इसमें तुम और मॉलिक्यूल डालोगे ना बेटा, तो ये काम करना बंद कर देंगे। क्यों काम करना बंद कर देंगे? क्योंकि इनकी अब संतृप्त कंडीशन आ गई है, सैचुरेशन हो गया है। सैचुरेशन क्यों हो गया है? क्यों हो गया है सैचुरेशन? क्योंकि भाई अब हमने खाना नहीं खाना है, मेरी तीन रोटी की भूख थी, इस प्रोटीन की तीन रोटी की भूख थी, और इसको तीन रोटी मिल चुकी है, अब ये आगे काम नहीं करेगा। तो हमारा कर्व जो है बेटा, देखो हमारा जो कर्व है, पहले देखो यहां पर जा रहा था, काम कर रहा था, काम कर रहा था, काम कर रहा था, अब यहां पर जैसे ही ये मुड़ गया, दैट मीन्स यहां पर कैसी कंडीशन आ गई? सैचुरेशन की कंडीशन आ गई है। कैसी कंडीशन आ गई है? सैचुरेशन की कंडीशन आ गई, उसके बाद ये काम नहीं कर पाएगा। यानी कि अब ये कैरियर प्रोटीन इस तीसरे वाले मॉलिक्यूल को नहीं लेकर के जाएगा, क्योंकि इसकी कैपेसिटी ओनली थ्री मॉलिक्यूल्स को ले जाने की थी। आशा करती हूँ कि ये जो चीज है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ में आनी चाहिए। आगे समझ में, क्यों हमने कर्व मोड़ दिया, क्यों हमारा कर्व सीधा है? यहां पर जो हम फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहे हैं, देखो एक और एग्जांपल ले सकते हैं, मान लो कि ये एक बंदा है, यहां पर ये बहुत मोटा सा बंदा है और दो इसके साथ में, अब ये साइकिल जो है, चौथा बंदा तुम यहां पर बिठा दोगे तो साइकिल पंचर हो जाएगी लेकिन आगे नहीं बढ़ेगी, है ना। तीन तो ये चल रहा था, देखो तीन चल रहा है, 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 जैसे ही चौथा बिठाओगे भैया अब नहीं चला जाएगा, अब नहीं जा पाऊंगा मैं, आ गई बात समझ में। तो ये हो गया हमारा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और ये हो गया हमारा सिंपल डिफ्यूजन। अब देखो बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें अपन देखेंगे कि जो चैनल गेटेड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मैं आपको एक एक, मतलब लाइगेंड गेटेड चैनल, मैकेनिकली गेटेड चैनल, और जो हमारा वोल्टेज गेटेड चैनल है, मेरे को आपको बहुत डीपली समझाना है, क्योंकि वहां पर से क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी में पूछ लिया जाता है, प्लांट फिजियोलॉजी में पूछ लिया जाता है ना, तो वो हमें ध्यान रखना है कि किस तरीके से हमें उसको क्वेश्चन को हैंडल करना है। गेट माई पॉइंट? तो आशा करती हूँ कि आज का टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो प्लीज लाइक एंड शेयर इफ यू रियली लाइक एंड कॉमेंट। यदि आपको कोई भी डाउट होता है, मैं आपके कॉमेंट का रिप्लाई करूंगी। यदि कुछ कॉमेंट में वहां पर इश्यू आ रहा है तो मैं अपने वीडियो में उसका आंसर दूंगी। तो आई होप, और बच्चा प्लीज, यदि जुअलॉजी से पीएचडी करोगे तो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। जब तक मैं चलती हूँ।